हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे हंता वायरस के बारे में, जो कि एक नया वायरस है जो चाइना में पाया गया है। और एक न्यूज़ सामने आई है कि हंता वायरस से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, जो कि आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। कोरोना वायरस के बाद में अर्थ ने बहुत ही ज्यादा जोखिम उठाया है। आपने कोरोना वायरस के लाखों केसेस देखे होंगे और हजारों लोगों की मृत्यु कोरोना वायरस से अब तक हो चुकी है। हंता वायरस की न्यूज अभी रिसेंटली आई जब चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने यह ट्वीट किया कि हंता वायरस के द्वारा यूनान प्रोविंस में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसी कारण से 32 लोगों का चेकअप भी किया गया है। तो यह वायरस किस तरीके से फैलता है, आज इस वीडियो में आप संपूर्ण रूप से जान पाएंगे। हंता वायरस मुख्यतः एक रेस्पिरेटरी डिसीज है, यानी कि यह सांस की बीमारी है, जो कि सांस से या फिर आप जब सांस लेते हैं तो इस रूप में आपको परेशानी सामने आ सकती है। हंता वायरस का ओरिजिन देखते हैं। हंता वायरस मुख्यतः चूहों के द्वारा फैलाया जाता है। चूहों के कांटेक्ट में आने से आप हंता वायरस के शिकार हो सकते हैं। चूहों के द्वारा उनके मल और उनके लार यानी कि सलाइवा के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो आपको हंता वायरस हो सकता है। साउथ अमेरिका में 2005 और 2019 में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन आया था सामने। जनरली हंता वायरस चूहों के कांटेक्ट में आने से ही होता है, परंतु यह ह्यूमन टू ह्यूमन यानी कि मानव से मानव के द्वारा भी फैल सकता है। तो चलिए देखते हैं हंता वायरस के बारे में, आखिर आप कितने सप्ताह तक के पहचान सकते हैं या कितने सप्ताह के अंदर आपको यह पता चल सकता है कि आप हंता वायरस के शिकार हैं। मुख्यतः 1 से 8 सप्ताह के अंदर आपको यह पता चल जाएगा कि आप हंता वायरस के शिकार है या नहीं। और अगर आपके सामने 1 से 8 सप्ताह के अंदर किसी भी तरह के लक्षण जो कि आगे हम देखने वाले हैं सामने आते हैं, तो आप हंता वायरस के शिकार हो चुके हैं। अब चलिए जानते हैं हंता वायरस के सिम्टम यानी कि क्या लक्षण हो सकते हैं। हंता वायरस आपको, आप अगर अर्ली स्टेज में हैं तो आपको हंता वायरस के द्वारा कुछ इन तरीकों की परेशानियां सामने आ सकती है, यानी कि थकान, बुखार और मसल एक यानी कि शरीर में दर्द, और शरीर में आपके थाइस में यानी कि जांग, हिप्स में और पीठ में और कंधों में आपको दर्द हो सकता है। आपको हेडेक यानी कि सिर दर्द और काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग और डायरिया यानी कि उल्टी और डायरिया जैसी परेशानी भी सामने आ सकती है, और थकावट यह तो है ही। अब देखते हैं आप 10 दिनों के बाद यानी कि जब आप इनिशियल स्टेज को पार करके आगे बढ़ेंगे तो आप किस तरीके की परेशानियां सामने देखेंगे। आपको सूखी खांसी और शॉर्ट ब्रेथ यानी कि छोटी सांस लेने में परेशानी सामने आ सकती है, और आपको लंग्स की भी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आप किस तरीके से हंता वायरस से बच सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप अपने घर में साफ सफाई बनाए रखिए और चूहों से जितना हो सके दूर रहिए, और अगर चूहों का कोई भी सोर्स है तो उसे दूर जाइए, उसे बंद कीजिए, और चूहों के कांटेक्ट में आने से आपको बचना होगा। यह इसका सिंपल सा प्रिवेंशन हो सकता है। अब चलिए जानते हैं कि क्या आप हंता वायरस को डायग्नोज कर सकते हैं। इसका सिंपल आंसर है नहीं। अभी तक के हंता वायरस का किसी भी रूप से कोई भी डायग्नोसिस या कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है, जिसकी वजह से हंता वायरस अभी भी खतरनाक है इस अर्थ के लिए। चलिए अब देखते हैं कि क्या हंता वायरस सच में एक फैटल यानी कि खतरनाक डिसीज मानी जानी चाहिए। इसका आंसर CDC ने कहा है यस, क्योंकि इसकी मॉर्टेलिटी रेट यानी कि इसकी मृत्यु दर देखी गई है 38%, यानी कि 100 में से लगभग 38 लोगों की मृत्यु निश्चय होती है इस वायरस में, यानी कि हंता वायरस में जो चूहों के द्वारा फैलाई जाती है। इस वायरस ऐसी परेशानियां सामने आ सकती है। इस इमेज में आप देख सकते हैं हंता वायरस किस तरीके से दिखता है। आगे चलिए जानते हैं कि आप किस तरीके से इस वायरस से बच सकते हैं, और इसका सिंपल आंसर है आप सजग रहे और सावधान रहे, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है। और कोई भी पेशेंट नहीं बच पाएगा अगर आप खुद से सावधानी नहीं बरतेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ द्वारा के पास, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जान सके। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।